यहाँ एक तरफ मोदी जी फिर से चुनाव जीत चुके हैं और विवेक ओबरॉय एक बार फिर ऑडियंस का दिल जीतने में नाकामयाब हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक में विवेक ओबरॉय कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, और उन्होंने हमें ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि एक बार फिर विवेक ओबरॉय ने काफी अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। ऑडियंस की आंखों के सामने ही ये पूरी बायोपिक फेड हो जाती है। सभी ने असली अर्थ में पीएम नरेंद्र मोदी के जर्नी को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसी को जब बड़े पर्दे पर विवेक ओबरॉय प्ले करें तो शायद नतीजा यही होगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में नरेंद्र मोदी की एक चाय वाला से पीएम नरेंद्र मोदी बनने तक की पूरी जर्नी को दिखाया गया है। बट विवेक ओबरॉय कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर बॉलीवुड कमबैक। जी हाँ, क्योंकि इस फिल्म में विवेक ओबरॉय को एक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके एक्सप्रेशन इतने वेग थे और परफॉर्मेंस इतनी कच्ची कि मानो असलियत में पीएम नरेंद्र मोदी के स्पीचेस उनसे ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। यहाँ तक कि विवेक ओबरॉय के कैरेक्टर मेकअप में भी काफी सारे फ्लॉज थे। तो वहीं दूसरी ओर पूरे 2.5 घंटे तक ऑडियंस बार बार विवेक ओबरॉय और मोदी के किरदार को कंपेयर करने में जुट जाएगी। यहाँ हमें फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार को थोड़ा क्रेडिट दे देना चाहिए। जहाँ एक तरफ उन्होंने मैरी कॉम जैसी शानदार फिल्म हमें दी है, तो वहीं दूसरी ओर हम समझ सकते हैं कि विवेक ओबरॉय जैसे परफॉर्मर के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक बनाना उनके लिए काफी मुश्किल रहा होगा। ओवरऑल हमारी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 1 स्टार आउट ऑफ 5। आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।